हेलो नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग यूपी दरोगा भर्ती सब इंस्पेक्टर भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, वो उसका समय आ चुका है, वो वैकेंसी आ गई है। टोटल पोस्ट यहाँ पर 5623। यहाँ पर बात आई, यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ये जो भर्ती है ऑल इंडिया भर्ती है, सैलरी काफ़ी अच्छी खासी है, एज लिमिट भी काफ़ी है, 21 से 28 वर्ष, ये जनरल कैंडिडेट के लिए। तो दोस्तों पूरी न्यूज़ है आपके लिए, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। दरोगा भर्ती काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, लगभग 2018 से ये वैकेंसी पड़ी हुई है, जिसके चलते यहाँ पर एक नोटिस जारी किया गया है, एक आर्टिकल छापा है पेपर में, वो आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो दोस्तों जल्द ही इसके फॉर्म भरना शुरू होने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन होगा साइड में उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जो भी यूपी सब इंस्पेक्टर दरोगा भर्ती से रिलेटेड आपको जानकारी पूरी मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो ये न्यूज़ आई है, इसका सोर्स आपको मैं बता देता हूँ, ये जो आई है पायनियर न्यूज़पेपर की है, ना कि अमर उजाला दैनिक जागरण पेपर की। तो दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल छपा हुआ है, दरोगाओं के 5,000 से अधिक पदों पर 19 से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। तो देख लेते हैं क्या न्यूज़ है पूरी। ये जो इसका सोर्स है, पायनियर समाचार सेवा लखनऊ, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड सब इंस्पेक्टर दरोगा के 5623 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 19 अक्टूबर से प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है, और भर्ती बोर्ड ने कहा है कि सब इंस्पेक्टर के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन भरने का बेरोजगार युवक युवतियों के लिए सुनहरा मौका होगा। भर्ती बोर्ड के मुताबिक नवंबर के अंत अथवा दिसंबर की शुरुआत में लिखित परीक्षा कराई जाएगी। अगले साल यानी 2020 में फरवरी माह में इसकी शारीरिक परीक्षा यानी फिजिकल होगा। सब इंस्पेक्टर पद के लिए दावेदार को किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय से स्नातक होना जरूरी है, और अनारक्षित श्रेणी से संबंधित आवेदकों की आयु 21 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और आपको बता देना चाहता हूँ, जो बाहर के कैंडिडेट हैं उनका जर्नल में ही आपका फॉर्म भरा जाएगा, और जो यूपी से बिलोंग करते हैं उनकी छूट है, जो कि 5 वर्ष 5 वर्ष ओबीसी की, 5 वर्ष एससी और एसटी की है। ठीक है, ये फॉर्म हरियाणा, राजस्थान यानी कि कोई भी स्टेट से हैं आप, हिंदी की जानकार हैं तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। तो देख सकते हैं 21 से 33 वर्ष है, और आवेदकों की जो दौड़ है 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा, और महिला को 16 मिनट में 2400 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। तो दोस्तों इसका जो नोटिफिकेशन है आपको 19 अक्टूबर को आ जाएगा, ये एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ है। ठीक है, तो दोस्तों जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई भी अपडेट आएगी आपको तुरंत पहुँचा दी जाएगी, आप इसको फॉर्म भरें और तैयारी करें। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। तो जय हिंद।